इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। नाजरीन ग्रामी, आज है 23 अप्रैल 2021 और आज की ताज़ा तरीन धमाकेदार और तहलका खेज खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि अमेरिका की रूस और तुर्की पर शदीद पाबंदियां। रूस और तुर्की ने मिलकर अमेरिका पर कह डा दिया। दोनों के जंगी बैरी जहाज अमेरिकी समंदरों में उतर गए। तुर्की और रूस ने अमेरिका की नींदें उड़ा दी। बगैर कप्तान वाली जंगी कश्तियां अमेरिकी समंदरों में तुर्की और रूस की उतर गईं। अमेरिका, रूस और तुर्की के बैरी जहाज आपस में टकरा गए। तुर्की और रूस का मिसाइल फायरिंग का शानदार कामयाबी अमेरिकी जंगी बैरी जहाज नेस्तो नाबूद कर दिए। पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। अगर अमेरिका ने F-35 जंगी तैयारे फराम ना किए और रूस और तुर्की से पाबंदियां ख़त्म ना की तो दोनों मालिक मिलकर शदीद नुकसान पहुंचाएंगे। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल, अगर आप अमेरिका से नफरत, तुर्की और रूस से मोहब्बत करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लाइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि तैयब उर्दगान और व्लादिमीर प्यूटन ने अपने मुल्क के दिफा में किसी भी किस्म का समझौता ना करने का फैसला कर लिया। यही वजह है कि अमेरिका की दोनों मालिक पर शदीद किस्म की पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। पहले अमेरिका ने तुर्की पर रूस से S-400 सिस्टम खरीदने पर तुर्की पर शदीद पाबंदियां आयद की थीं और तुर्की की दिफाई सनत, तुर्की के वजीर दिफा, तुर्की के वजीर खारजा पर भी शदीद किस्म की पाबंदियां आयद की गई थीं। अब 3 रोज पहले ही अमेरिका ने रूस पर शदीद किस्म की पाबंदियां आयद की हैं, जिसमें रूस के सफारती एहलकारों को अपने मुल्क बदर करने का फैसला किया है। और दूसरी जानिब जो इलेक्शन हुआ था 2016 में, जिसमें ट्रंप ने कामयाबी हासिल की थी, उसमें भी रूस का हाथ अमेरिका बताता है। जो बाइडन इंतजामिया ने अब रूस पर पाबंदियां शदीद किस्म की आयद कर दी हैं। इसके अलावा रजब तैयब उर्दगान अपने मुल्क के दिफा में किसी भी किस्म का समझौता ना करने का फैसला कर चुके हैं। यही वजह है कि वो अपने दिफाई निज़ाम को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाते हुए उसकी वसात बढ़ाते चले जा रहे हैं और इस सिलसिले में वो जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा हैरत अंगेज सलाहियतों की हामिल मुसल्ला बूट को अदलाक का नाम दिया गया है, जो बगैर पायलट के चलती है, जिसमें रूस को भी ये कश्तियां दी गई हैं। रूस और तुर्की ने मिलकर अमेरिका पर कह डा दिया है, जो इस वक्त समंदर में अपने सफर का अमेरिका के खिलाफ इत्तेहाद कर चुके हैं। और दोनों मालिक का मिलकर अमेरिकी समंदरों में दोनों मालिक उतर भी चुके हैं। इसके अलावा याद रहे कि रूस से S-400 सिस्टम खरीदने बारे के हवाले से अमेरिका ने तुर्की पर माशी पाबंदियां भी आयद करने का अंदिया दे रखा था, जो कि उन्होंने कर दी हैं। जबकि तुर्की ने तमाम तर पाबंदियों को बलाए ताक रखते हुए अपने दिफा की खातिर रूस के साथ डील की पासदारी करते हुए S-400 सिस्टम को लेने का ओद कर लिया था। इसके अलावा अमेरिका के साथ तुर्की की गुफ्तो शनीद का क्या नतीजा निकलता है और रूस के साथ मिलकर तुर्की अपनी दिफाई सलाहियत को किस हद तक मजबूत कर पाता है। कुछ अरसे कबल चीन की तरफ से भी बायोफौजी तैयार करने का अदा किया गया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में फौजियों का दिमाग इस कदर तेज हो जाएगा कि वह रोबोट की तरह काम करेंगे। जबकि अमेरिका ने बराह रास्त रोबोट फौजी तैयार करने का अंदिया दिया था। हालांकि इन सब से आगे निकलते हुए तुर्की और रूस ने दिफाई सलाहियत में बगैर कप्तान कश्ती समंदर में चलाकर बाजी मार ली है। दूसरी जानिब रूस ने एक ऐसी बैरी जहाज तैयार किया है, जो बैरी जहाज
रूस मिनटों में सबमरीन भी बना सकता है। तफसीलात के मुताबिक रूस की रोबन डिजाइन कंपनी ब्योरो एक ड्राइविंग सलाहियत के साथ शायद दुनिया का पहला जहाज तैयार किया। एक मुख्तसर वक्त के लिए एक रोबन टास्क मेरेन की तरह काम करता है, ताकि प्रेस सर्विस के हवाले से अपनी खबर में बताई गई रिपोर्ट में आप दोस्त जहाज की तैयारी के मराइल में शामिल टेक्नोलॉजी या उसकी बुनियादी खसूसियात और जहत के बारे में कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। रोबेन एक समर्जल गश वाले जहाज की पहली तरमीम पेश करता है, जिसमें आबदोज और सिता के गश वाले जहाज के फायद को मिलाया गया है। इसके अलावा रोबोन यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कारपोरेशन का मातहत इदारा है, और रोबोन ने बताया है कि इस मंसूबे को स्टार्स और बॉस का नाम दिया गया है और उसके नाम से आलमी मंडी में फरोख दिया जाएगा। रूस ने ये जहाज अमेरिका के खिलाफ जब उतार दिए हैं, और जहाज की गरगाह पोजिशन फौरी तौर पर दो फायद रूस को फराहम करती है कि चोरी से निगरानी करनी और गश के मिशन को जारी रखते हुए खराब मौसम से भी दूर रहने का अंदिया रूस इसको कश्ती में बताता है। इसके अलावा एक आबदोज बहरी जहाज को क्लासिकी आबदोज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जो जासूसों और दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल होता है। गोताखोर पेट्रोलिंग जहाज में लकड़ी के पानियों का सर्वे करने के लिए सिताई बर्तन के मुकाबले में वसी इम्कान होंगे। ये अमले की तरबियत करने और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए एक सस्ता तरबियती टूल का भी काम करेगा, और मुस्तकबिल में मुकम्मल आबदोजों की खरीदारी करेगा। इसके लिए उन्होंने मजीद कहा कि रूस अमेरिका पर मजीद किस्म के शदीद हमले करेगा, क्योंकि अमेरिका ने रूस पर जो साख किस्म की पाबंदियां आयद की हैं, अब अमेरिका उससे नहीं बच सकता। इसके अलावा तुर्की के वजीर दिफा ने कहा है कि रूस के एयर डिफेंस की खरीदारी के लिए कई माह तक बातचीत का अमल जारी रहा और अब इसे रोकना मुमकिन नहीं है, जबकि तुर्की S-400 एयर डिफेंस मिसाइल की पहली खेप भी हासिल कर चुका है। उन्होंने कहा है कि रूस और तुर्की पर पाबंदियां आयद की गई हैं, जिससे अमेरिका को शदीद किस्म का धचका पहुंचा है, क्योंकि दोनों मालिक का मिलकर अमेरिका के खिलाफ कहर डाने का ऐलान सामने आया है। इसके अलावा हलौसी आकार ने कहा है कि नेटो के मेंबर्स में सिर्फ तुर्की ही नहीं, कई और मालिक भी रूस के इस एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं। तुर्की अमेरिका के साथ इस मसले को बातचीत के जरिए भी हल करना चाहता है, लेकिन अमेरिका तुर्की के साथ इस किस्म का रवैया बर्ताव करके अपनी साख को मुतासिर कर रहा है। वाज़ह रहे कि रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदारी पर अमेरिका तुर्की से नाराज था, और इन जबर्दस्त इंतजामों ने तुर्की पर पाबंदियां आयद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बटन पर क्लिक करें और हमें फेसबुक पेज पर भी जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।